तो वो भी सही कह रहे हैं फिर। ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं। बार फिर बीजेपी एमएलए नितेश आनंद ने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया। हाँ, आप सभी को बता दूं, फिर एक बार मस्जिद में जाने का बोला है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला, क्योंकि आप सभी को पता होगा नितेश आनंद कितने भड़काऊ भाषण दे चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ, कितने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दे चुके। जैसा कि ये बोला था कि अगर रामगिरी महाराज से किसी ने मस्ती की तो तुम्हारी मस्जिद में जाकर चुन चुन कर मारूंगा। अभी बयान को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल था। उसके बाद ये भी बोला था कि मुसलमानों से कोई चीज़ मत खरीदो, सिर्फ हिंदुओं से खरीदो अगर हिंदू है तो। मतलब डायरेक्टली ऐसे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दीजिए जिसकी वजह से कई जगह उनके एफआईआर भी दर्ज हुई थी, कई जगह उनका विरोध भी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया, एनडीटीवी उनको बुलाया गया था जहां पे उनसे बहुत सारे सवाल किए गए मुसलमानों के बारे में, भड़काऊ भाषण देने के बारे में। और उसी के साथ उनसे एक बड़ा सवाल यह किया गया था, जिस तरह से एमआईएम के वारिस पठान ने बोला था नितेश आनंद के बयान पे कि तुम्हारे मस्जिद में चुन चुन कर मारेंगे, तो वारिस पठान ने यह बोला था कि तू एक बार आ जा फिर तू कैसा जाएगा वो तू सोच भी नहीं सकता, मतलब तू लेट कर जाएगा। तो उसी का रिप्लाई देते हुए क्या बोलते हुए नजर आ रहे नितेश आनंद, मैं आपको सबसे पहले उनका वीडियो दिखाता हूं जहां पे वो बोलते हैं कि मैं जब जाऊंगा तो तुम देख लेना मैं कैसा वापस आता हूं। मतलब एक बार फिर वो मस्जिद में जाने का बोल रहे, मतलब एक बार फिर अपने बयान के अंदर मस्जिद के बारे में बोला मैं जाऊंगा तो तुम देख लेना। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप दो टांगों पर आएंगे मस्जिद में घुस जाइए फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर। ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखा, सेलिब्रेट करने नहीं देंगे या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे तो हम चुप बैठना चाहिए, मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम सह, अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए, फिर हम भी बोले। तो इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात तो है। उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो है पुलिस लॉ ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां एक्शन ले रही है। हाँ, तो आपने बीजेपी एमएलए नितेश आनंद का वीडियो देख ही लिया होगा कि किस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और वारिस पठान का किस तरह से रिप्लाई था कि मैं जब जाऊंगा तो देखूंगा कैसे वापस आऊंगा। मतलब आप सोच रहे हो फिर से उन्होंने एक बार जाने की बात की। और इसी के अलावा जो एंकर थी उन्होंने भी कई सारे तीखे सवाल पूछे मुसलमानों के खिलाफ, भड़का भाषण देने को लेकर, संविधान को लेकर, पुलिस वालों को लेकर, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से रिप्लाई दिया। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और राजनीति के लिए एक दूसरे के धर्म को बोलना ये कुछ ठीक बात नहीं होती। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।